सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सेवंथ क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसकी परिमिति AD रेखा के समान और ऊंचाई H के समान दी है। आपको परिमिति की परिभाषा आनी चाहिए। परिमिति किसे कहते हैं? त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग को परिमिति कहते हैं या परिमाप कहते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें एक परिमिति दी हुई है। अगर तीनों भुजाओं का योग ये है तो ऑब्वियसली ये जो रेखा है वो काफ़ी लंबी होगी इस तरह से, और एक हमारे को दे रखा है ऊंचाई एच रेखा के समान। तो हम एक ऊंचाई ले लेते हैं यहाँ पे एच रेखा के समान, ये आपकी ऊंचाई है। तो हमने क्या करना है, ये जो आपकी परिमिति है ए बी, तो ए बी परिमिति पे हमने ये ए बी ये परिमिति है दी हुई है, इसी के समानांतर हमने जितनी आपकी परिमिति दी हुई है इसी के समानांतर हमने रेखा लेनी है डी ई। ये आपकी है 11 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पे है ये, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ दी हुई परिमिति के बराबर। तो ये हमारा है, ये आपकी आ गई, इसका नाम मैं दे देता हूँ डी ई। ये दी हुई थी रेखा और ये हमने इसके समानांतर रेखा ले ली है। अब हमने क्या करना है, इस जो ये रेखा हमने ली है डी ई ए वी के समानांतर, इसका हमने समद्विभाजन करना है। यहाँ पे समद्विभाजन की दोनों चापे हमारी कट रही हैं, यहाँ पे मैं इनको मिला देता हूँ। इस तरह से अभी जहाँ पे डी ई जो हमने परिमिति दी हुई है यहाँ पे कट रही है, इसका नाम हम दे देंगे पी, ये P पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, जितना आपके पास H है, H दिया हुआ है, H है, इतना आपने P से समद्विभाजन वाली रेखा को काट देना है। ये जहां पे ये कट रहा है ये पॉइंट हमारा आ गया C, ये पॉइंट C है। आपने क्या करना है, D और C को आपस में डॉटेड मिला देना है इस तरह से, और ई और सॉरी डी और सी को भी आपने आपस में मिला देना है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये रेखा आ रही है इस रेखा का आपने समद्विभाजन कर देना है। डी और सी और सी और ई दो रेखाएं आपके पास आ रही है, दोनों रेखाओं का आपने समद्विभाजन करना है इस तरह से। इधर को भी हम चाप लगा देंगे यहां से इतनी प्रकार खोल के, जहां भी चापे कट रही हैं इन पे मैं मिला देता हूं इनको। मिला दिया है और इन जो ये चापे कट रही है ये आपका है N और ये है L, N और L को हमने मिला दिया है। और जहाँ पे ये D और E रेखा पे यहाँ कट रहा है ये पॉइंट का नाम है B, ये आपका B है। मैं इसको और आपने इस
उसका भी समद्विभाजन करना है। यहाँ से हमने यहाँ चाप लगाई है, इधर भी हम चाप लगा देंगे। इसको भी मिला देंगे। यहाँ पे जो एक कट रहा है, जहां पे कट रहा है इसका नाम हम दे देंगे ए, और जहां ये चापे कट रही है ये है आर और एस। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तो ए बी को हम डार्क थोड़ा कर देंगे। ये आपकी त्रिभुज की आधार रेखा आ गई है, और ये आपकी दूसरी भुजा आ गई है, ये आपकी त्रिभुज की तीसरी भुजा आ गई है। ये जो है परिमिति जो हमें दी थी ए बी, उसके ऊपर समद्विबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो गया। तो ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर होगी, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये भुजा इससे बड़ी है, ये इतनी सी भुजा है, और इधर से भी इतनी भुजा होगी, ये देखिए इतनी है, और इधर को ये भुजा, तो ये आधार रेखा बड़ी है और ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हमारी बनके तैयार हो गई है। प्रश्न नंबर 19।